अब ये सीखो आराम से, ठीक है? ये अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट। तो ये आता है तो तुम्हें पूरा मैग्नेटिक में इंडक्शन आता है। तो हमारा क्या है 40 वोल्ट है, ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस। तो ये भी अच्छा, एक सेकेंड, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, करेंट डिक्रीज हो रहा है। तुम क्या चाहोगे, इंक्रीज करने के लिए चाहोगे? इंक्रीज करने के लिए ऐसा चाहेगा तुम्हारा करंट, ऐसा ही जाएगा। ये हो गया माइनस प्लस, और ये हो गया माइनस प्लस प्लस माइनस। ये पता है ये कितना है बताओ, 40 वोल्ट 40। ओके, ये कितना आया सर 2। ओके, एल हमारे पास है 10 और ये चेंज इन करंट 0.2, ये हो गया 2 वोल्ट। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, 2 वोल्ट यहां पर रख देना। ये भी हमारा 20 है, ये कितना है 19, ये भी 20 है। आगे बढ़े, ये वोल्ट है। तो बी ए प्लस से माइनस, तो माइनस का 40, प्लस से माइनस, माइनस का 40, माइनस से प्लस, प्लस का 2, माइनस से प्लस, प्लस का 20, माइनस 20 है ना, माइनस से प्लस, प्लस का 20 और प्लस से माइनस, माइनस का 20, माइनस का बीबी इक्वल टू 0। इतना ही हो रहा है, माइनस 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 का 48, माइनस का 80, प्लस का 2, माइनस का 78, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू प्लस का 70 का 8। आगे बढ़े क्या? यस सर। और कराओ ये क्वेश्चन, कर लोगे? हां सर, कर लेंगे। और करना है? सही बात है, बहुत बहुत। अरे ये
चलो डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, करंट डिक्रीज हो रहा है। तुम करंट को इंक्रीज करना चाहोगे, करंट को इंक्रीज करना चाहोगे, तुम्हारा बैटरी ऐसा बनेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इनकी वैल्यूज कितने आ जाएंगे, एल टू डी आई बाई डी टी 0.2 वोल्ट। ये हमारे पास 3 वोल्ट प्लस से माइनस, ये हमारे पास 12 है, ये डायरेक्शन तुम्हारा सेम रहेगा। कितना है 12 × 0.2 = 1.2 वोल्ट माइनस से प्लस और ये 2 × 1 = 2 वोल्ट ओके प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस। तो बी ए प्लस ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस का 0.2 प्लस से माइनस, माइनस का 3 माइनस से प्लस डिक्रीज हो रहा है, कितने का 1.2 प्लस का 1.2 प्लस से माइनस कम हो रहा है तो माइनस का 10 प्लस से माइनस कम हो रहा है माइनस का 2 माइनस से प्लस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का 5 माइनस का VB = 0 ठीक है। यस सर, तो BA = 1.2 + 0.2 क्या आ गया, प्लस का 1.4 और 10 + 3 = 13 - 2 - 15 प्लस का 5 प्लस माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का VB = 0 सही है जी। यस सर, तो यहाँ से BA माइनस BB = 10 - 1.4 = 8.6 हमने क्या बताया, E = L dI/dt ओके। हमने क्या कहा है, हमने कहा है हमारे पास क्या है ओके, सोलेनोइड है। इस सोलेनोइड में हमने करंट को मानो फ्लो कराया और ये करंट किसी इंस्टेंट पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया हर सेकंड। तो ये करंट मान लो डी आई से इंक्रीज हो रहा है, डी आई से ही करंट इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा आई से इंक्रीज हो रहा है, वाई प्लस डी आई प्लस डी आई प्लस डी आई। जब ये करंट इंक्रीज हो रहा था तो बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग करंट फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ। बिकॉज ऑफ दैट इंक्रीजिंग करंट इनसाइड द सोलेनोइड क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हुआ। और वो जो फ्लक्स चेंज हुआ ओके बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग करंट, तो हमने कहा जो ये फ्लक्स का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। तो चेंज इन फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, कितना ज्यादा करंट चेंज हो रहा है।
जितना ज्यादा करंट चेंज होगा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। और हमें पता था पहले से कि E क्या होता है, माइनस का डी फाइव है डीडी, तो हमने मैग्नीट्यूड के इक्वल करके ईएमएफ कर दिया। यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वो ईएमएफ हर मोमेंट पे क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ये जो ईएमएफ है ये तो करंट के फ्लक्स के चेंज होने से बदल जाएगा, और फ्लक्स क्या है करंट के चेंज होने से बदलेगा, मतलब ये जो ईएमएफ है ये बदलेगा किसके चेंज होने से, फ्लक्स के चेंज होने से। ओके, और फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा, करंट के चेंज होने से। तो करंट तो हर मोमेंट पे बदल रहा है, करंट हर मोमेंट पे बदल रहा है, फ्लक्स भी हर मोमेंट पे बदल रहा है, मतलब ईएमएफ भी हर मोमेंट पे बदल रहा है। यही जो ईएमएफ हर मोमेंट पे बदल रहा है ना, इसी को हम पावर कहते हैं। ये समझा, इसको अपनी भाषा में लिख लो। जो ईएमएफ को चेंज हो रहा होता है उसे ये पावर है। हां यही आपको बताया सर। हां ड्यू टू चेंज ऑफ करंट फ्लक्स चेंज एंड ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स and the change in mf is defined as if current ko aise imagination karo ye kaisa jayega don't let that know aur ye samjho ki emf change jis waqt ho raha hai wo kaise ho raha hai usi ko hum power kyun kehte hain wo socho power kya hai isko aise samjho theek hai isko aise samjho maan lo main class le raha hu theek hai main class le raha hu theek hai maan lo mere ko agar pata hai ki mere upar koi nahi hai meri marzi main kaise bhi padhao theek hai तुम मेरा साथ दोगे हर सिचुएशन में लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरे ऊपर का जो सीईओ है वो मेरे वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, अगर उसको पता चला कि मैं सही नहीं पढ़ा पाऊं तो मेरे को निकाल नहीं सकता है उस सीईओ से, मेरे को पता चला कि आज वो आ सकता है, मैं सीईओ की कॉपी पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो उनके आने की वजह से मेरे में चेंजेस आ गया। उनके आने की वो क्या था, करेंट था, उन करेंट के चेंज होने से मैं फ्लक्स फ्लक्स चेंज कर गया, मैं बहुत सीरियसली तुम्हें पढ़ाने लगा, बहुत अच्छा सीनियरिटी कॉपी पूरा मजा आ रहा है। अब मेरी एटीट्यूड को देख करके तुम नहीं पहुंच, तुम ही सोचे आज सर क्या हो गया, ये कैसे तबीयत तो काम नहीं है सर का, तुम भी सीरियस हो गए, आज सीरियस हो जाओ, तुमसे दूसरे दिन पूछ ले लेंगे सर क्यों थे उस दिन सीरियस, तुम भी सीरियस हो गए। क्लियर है, जब तुम सीरियस हो गए तो तुम्हारा क्या हो गया, ईएमएफ चेंज होना स्टार्ट हो गया, तुम पढ़ने लगे, तुम्हारे अंदर एनर्जी क्या होने लगा, चेंज होने लगा, तुम्हारा जो पोटेंशियल है नॉलेज का वो बदलने लगा, बट तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है उसी को तो पावर कहते हैं। वर्क पर यूनिट टाइम में तो पावर होता है, वर्क किस तरह से चेंज हो रहा है, कितने जूल का वर्क चेंज हो रहा है पर सेकेंड, वही तो पावर है। पर तो कौन रेट ऑफ dW / dt इक्वल टू पावर p इक्वल टू dW / dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, और यहां पर हम ये रंग के टर्म्स में कह रहे हैं, रटना भी है समझो फील करो, नहीं आ रहा फिर मेरे से पूछो मैं भी बताओ ठीक है। आगे बढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बोल रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, करंट के चेंज होने से किसी एक मोमेंट पे, मैं बार बार कह रहा हूं लोगों को ये पता नहीं होता, ट्रस्ट मी 99% पॉपुलेशन को यही पता नहीं होता है कि किसी एक मोमेंट की बात कर रहे हैं, वो पूरा पढ़ लेगा और वो ये चीज नहीं समझ पाता है। ये जब करंट डिफाइंड है विद करंट